भरत बाहुबली को हम पूछते हैं, वे तीर्थंकर नहीं है, फिर भी और जो बलभद्रवादी मोक्ष गए हैं, हम उनके नामों से और उनकी प्रतिमाएं बनाकर के क्यों नहीं उनकी पूजा आदि करते हैं? भरत और बाहुबली का सबसे बड़ा कारण है कि वो तीर्थंकर के बेटे थे। दूसरा कारण है कि बाहुबली ने सर्वप्रथम उन्होंने ऐसी तपस्या की कि अन्य किसी की तपस्या का उल्लेख नहीं मिलता। भरत का दूसरा कारण है कि वो प्रथम चक्रवर्ती थे और एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा, उन्होंने अपने जीवन में धर्म को मुख्यता दी, कर्म को नहीं। तो किसी भी चीज़ की मूर्ति बनती है तो उसके पीछे बहुत बड़ी उपकारी कहानी होती है, गुणग्राही कहानी होती है। गुण जिनसे विशेष रूप से मिलते हैं, मूर्ति बैठाना ही पर्पस नहीं होता, मूर्ति को दर्शन करते ही हमें कुछ ऐसे कार्य करने की प्रेरणा मिले, दर्शन करते ही हमें एक ऐसा विल पावर बढ़े, दर्शन करते ही हमारे मन में एक ऐसी शक्ति जागृत हो जो शक्ति एक अलौकिक प्रकार का कार्य करे। बाहुबली को देख करके ऐसा लगता है कि ऐसी भी जिंदगी, ऐसी भी तपस्या, ऐसे भी वीतरागी जो एक साल तक एक स्थान पर खड़े रहे, सांप बिच्छू उनके ऊपर कीड़ा करते रहे, बेलें चढ़ गईं और हिले भी नहीं। यहाँ तो एक मच्छर आ जाए तो व्यक्ति भागता फिरे। प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। भरत के जीवन का जब वैभव पढ़ते हैं तो एक प्रेरणा मिलती है कि जल से भिन्न कैसे रहा जाता है। गृहस्थी में रह कर के व्यक्ति इतने बड़े परिग्रह मोह माया जाल के बीच में रह करके व्यक्ति कैसे धर्म की रक्षा करता है। भरत चक्रवर्ती इतना वैभवशाली था, 96,000 जिसकी रानियां थीं, बेटे थे, इतने रिश्तेदार थे, लेकिन आज तक कभी जिंदगी में भरत चक्रवर्ती को सूर्य कभी सोता हुआ नहीं देख पाया। कितनी बड़ी विशेषता, सूर्य ने कभी उसे सोते हुए नहीं देखा। यानी इतना बड़ा चक्रवर्ती वैभव संपन्न होकर के सूर्य उदय होने के पहले उठ जाता था और सूर्य अस्त होने के बाद ही शयन आदि का विचार करता, और इतने आवश्यक, इतना बड़ा वैभवशाली होकर के भी कभी भी उन्होंने अपने षड आवश्यक नहीं छोड़े धर्म की। तो कुछ विशेषताएं होती हैं जिनकी मूर्ति को देख करके ऐसा लगे कि हमारे ऊपर इनके बहुत बड़े उपकार है, दर्शन करने मात्र से हमें शिक्षा मिलती हो, उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है।